कल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत फैसला लिया, अहम फैसला लिया गया कि जो लावारिस बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता उनकी सुध हरियाणा सरकार लेगी और 25 साल तक उनको पढ़ाएगी, उनका लालन पालन करेगी। 25 साल के बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उनको नौकरी लगाने का भी काम करेगी। ग्रुप डी और सी में उनको 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा और उनको रहने के लिए एक आशाला मुहैया कराया जाएगा, उसके लिए सरकार बगैर ब्याज के लोन देगी। और इस प्रकार से जिसका कोई नहीं उसकी हरियाणा सरकार होगी, ये है हरिहर योजना। इसी से जुड़ा कोई पहले मामला संज्ञान में आया हो, पहले कितने बच्चे हैं जिनकी देखरेख सरकार की तरफ से की जा रही है इस योजना से अलग कुछ ऐसा? इससे पहले एनजीओज के थ्रू जो कम बुद्धि और मंद बुद्धि और विकलांग वगैरह इस प्रकार के हैं वो एनजीओज उनकी केयर टेयर करती है, कुछ एनजीओ हैं उनको हरियाणा सरकार कुछ सहायता देती है। एक आपकी तरफ से योजना शुरू की जानी थी जिसमें कुछ मरीजों को एचआईवी पीड़ित हैं, टीबी या कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए सम्मान योजना, हाँ वो कहाँ तक पहुँची? कैंसर, एचआईवी पॉजिटिव और किडनी पेशेंट्स को हरियाणा सरकार ने ओल्ड एज पेंशन के समान पेंशन देने की का निर्णय ले रखा है। लेकिन ये लागू होनी है जब हेल्थ विभाग से हमारे पास डाटा आ जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश जब से फैसला लिया है देश में और पूरे विश्व में इस कोरोना महामारी ने अपने पैर फैला रखे हैं और हेल्थ विभाग हमें वो डाटा देने में अभी सक्षम नहीं हुआ है। जैसे वो डाटा आ जाएगा हम इन तीनों चारों कैटेगरीज को पेंशन देंगे। एक सर, दिव्यांग जनों के लिए कोई नौकरी में, सरकारी नौकरी में आरक्षण की किसी तरीके की योजना है और अगर ये पहले से चल रही है तो अभी तक कितने लोगों को आप जो है, क्या कोई स्पेसिफिक कोटा है इसका? दिव्यांग जन को 4% आरक्षण है और वो हरियाणा सरकार का कभी से नियम है और उसमें मिल रहा है। आगे कोई और इसको बढ़ाने के लिए दिव्यांग जनों के लिए कोई खास योजना आप लेकर? जैसा जरूरत समझी जाएगी उसको बढ़ा लिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।